और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी की टीम बंगाल के दौरे पर है। कल चुनावी नतीजे के बाद हिंसा की जांच के लिए जादवपुर गई एनएचआरसी की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद के साथ भी बदसलूकी की गई। वो हंगामे की यह तस्वीर पश्चिम बंगाल के जादवपुर की है। चुनाव नतीजे के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जांच के लिए जादवपुर पहुंची थी। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने एनएचआरसी टीम पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए, गांव के लोग किस तरह एनएचआरसी दल का विरोध कर रहे हैं। देख सकते हैं, ये इन लोगों का हाल है और ये यहाँ की पुलिस का हाल है। पुलिस यहाँ पर थी, लेकिन जिस वक्त इन गुंडों ने मेरे साथ ये इस तरीके का व्यवहार शुरू करा तब पुलिस यहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने इनको मौका दिया जानकर। एनएचआरसी टीम पर जादवपुर में हमले की खबर उड़ी तो पश्चिम बंगाल की सियासत का पारा फिर गर्मा गया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इस घटना से बंगाल की अंदर का हालत क्या है ये सबको मालूम हो रहा है। एनएचआरसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं भेजा, कोर्ट का डायरेक्शन में आया। एनएचआरसी को खुद पता चल गया बंगाल की गाँव में किस तरीका से पुलिस और गुंडा, तृणमूल का गुंडा एक साथ काम कर रहा है, इसको पता उसको चल गया। और उस एरिया में एनएचआरसी को विटनेस देने के नाते 40 घर का खत्म कर दिया। उनका सबसे पहले नाम है नेशनल, जो नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम, तो जिसका सामने नेशनल है ह्यूमन राइट्स, उसको जन तो मारेगा क्यों, उसको तो प्यार करेगा बैठाएगा। तो क्या वो लोग ऐसे कुछ काम करते हैं जिसमें जनता को गुस्सा हो जाता है? और बंगाल को जनता अगर मरना है बेइज्जत करना है तो नेशनल ह्यूमन कमीशन को नहीं करता है, वो करना है तो मारते हैं तो असली के मरते हैं। ये सब झूठा इल्जाम है। इस बीच बंगाल में चुनावी हिंसा पर फैक्ट फाइंडिंग समिति ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 5 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात ये बताई है कि हिंसा सुनियोजित थी, राजनीति से प्रेरित थी। कई लोग भाग के दूसरे स्टेट्स में चले गए, वहाँ कैंप्स में रह रहे हैं। वो इतने डरे हुए हैं कि वो वापस नहीं आना चाहते। मतवा कम्युनिटी जो है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, क्योंकि वो उन्होंने शायद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया होगा, उनके साथ इतना अत्याचार किया गया, उनको पीटा गया, मारा गया, उनके जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए, तो इससे ज़्यादा अत्याचार क्या हो सकता है। फैक्ट फाइंडिंग समिति ने अपनी रिपोर्ट में गृह मंत्रालय से कई अहम सिफारिशें की हैं। नंबर 1, सामान्य हालात की वापसी। नंबर 2, गाँव से जिले लेवल तक पीस कमेटी का गठन। नंबर 3, हिंसा पीड़ितों की आर्थिक मदद। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच। नंबर 5, SIT टीम में बाहर के अफसरों को जिम्मा। नंबर 6, NIA क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ की जांच करे। नंबर 7, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। कोलकाता से सूर्याग्नि राय के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।